भी भक्तों से प्रार्थना के भगवान के दर्शन करते रहें और अपनी कृपा जो है इधर भेजते रहें। कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि जिनके ऊपर भक्तों की कृपा और भगवान का आशीर्वाद हो तो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, अंधा व्यक्ति देख सकता है और बहरा व्यक्ति सुन सकता है और लंगड़ा व्यक्ति जो है पहाड़ों के पार जा सकता है। तो इसलिए इधर ना देखें उधर देखें और कृपा जो है इधर भेज दें। देखिए ये हरि नाम जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए आए और जो कि भगवान कृष्ण के अवतार थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये हरि नाम जो है पूरे विश्व में हर नगर हर गांव में जो है वो फैलेगा। तो उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने दो प्रसिद्ध शिष्यों को भेजा, एक को इंग्लैंड और एक को जर्मनी, लेकिन वो असफल होकर वापस आ गए। फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा और आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व के अंदर ये हरि नाम जो है वो आज फैला हुआ है। चाइना जैसे देश में जो चंडाल देश जो कुत्ते खाने वाला देश है उसमें भी ये हरि नाम लिया जा रहा है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम देख रहे हैं कि सब लोग जो हैं पूरे देश पूरे विश्व के अंदर इस नाम को ले रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की एक लीला में जो न के कोला बेचा श्री है वो भौतिक दृष्टि से तो बहुत गरीब थे लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अमीर थे। कोला बेचा श्रीधर का बिजनेस था, केलों के पत्ते बेचते थे वो और उसमें से जो कमाई होती थी उसका 50% वो गंगा के अंदर जो नगद दान कर देते थे और 50% जो बचता था उससे अपने परिवार का गुजारा करते थे। तो हम देखते हैं कि कोला बेचा श्रीधर का इतनी गरीबी थी कि उनके पास एक धोती थी और उसी से वो गुजारा करते थे। जब वो घर से बाहर जाते तो उस धोती को वो पहन के जाते, जब उनकी पत्नी घर से बाहर जाती तो कोला बेचा श्रीधर घर में रहते नंगे और उनकी पत्नी उसको पहन के बाहर जाती। कोला बेचा श्रीधर एक बार महाप्रभु ने जो न के उनको विश्व रूप दिखाना चाह तो उन्होंने अपने कुछ भक्तों को भेजा के उस कोला बेचा श्रीधर को बुला के ले आओ। तो वो भक्त बोले कि हमें तो उनका घर का नहीं पता। तो बोले आप इधर जाओ और वहाँ से जो ना कि जिस घर से जो ना कि हरि नाम का उच्चारण हो रहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कि उसकी हरे हरे कृष्ण महामंत्र की जो ना कि जो जप कर रहे थे वो हरि नाम जो ले रहे थे उसकी आवाज़ आएगी और वहाँ से जो उनको बुला के लेगा। तो कोला बेचा श्रीधर को वो बुला के ले गए और महाप्रभु ने उनको बोला और जब उनको विश्व रूप दिखाया और उनको बोला कि मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम्हें कोई लोक प्रदान कर दूँ, चाहो तो तुम्हें जो ना कि सिद्धियाँ प्रदान कर दूँ, जो मांगो वो मैं तुम्हें दे दूँ। लेकिन कोला बेचा श्रीधर ने क्या कहा, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैं हर जन्म में जो आप मेरी दुकान पे आओ और मोल भाव करो बस मैं यही चाहता हूँ। तो कोला बेचा श्रीधर ऐसे शुद्ध भक्त थे और इसी तरह जो ना के एक लीला में जो ना के महाप्रभु बोधिष्टों के गुरु से मिले, जो बौद्धिस्ट हैं आज वर्तमान में दलाई लामा उसके गुरु हैं, वो सब मांस भी खाते हैं अंडा भी खाते हैं सब कुछ खाते हैं। तो उनसे मिले तो उन्होंने वार्तालाप उनके बीच हुई तो वार्तालाप में उनको उन्होंने महाप्रभु ने उनको हरा दिया तो
उनके शिष्यों को बड़ा अपमान महसूस हुआ कि इन्होंने हमारे गुरु को हरा दिया। तो उन शिष्यों ने सोचा कि हमें जो ना कि महाप्रभु से जो ना कि बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई दिन का सड़ा हुआ खाना वो एक थाल में परोस कर जो ना कि महाप्रभु को पेश करने जा रहे थे कि ऊपर से एक बाज आया और उस बाज ने उस खाने पर झपट्टा मारा और उसको गिरा दिया। और जो थाली थी वो भारी थी थोड़ी, तो उसको उठाया उन्होंने उस बाज ने और उठा के उनके जो गुरु थे उसके सर पर दे मारा। अब उसके सर पर दे मारा तो वो बेहोश हो गए। तो अब उनके शिष्यों ने सोचा कि भाई हमने जो ना कि रूपाज महाप्रभु के प्रति जो है अपराध किया है, तो ये सब उसी के कारण हुआ है। तो उन्होंने अपनी गलती महसूस करी और महाप्रभु से क्षमा मांगी और उनसे बोले कि महाप्रभु अभी ये हमारे गुरु कैसे होश में आए, कोई उपाय बताओ। तो महाप्रभु ने बताया कि जैसे उनके गुरु बेहोश हो गए थे, ऐसे ही जो ना कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं सो रहे होंगे वो भी बेहोशी में ही हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ज़ोर से बोलना सभी को, उन्होंने कान में बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे ही ओम ये महामंत्र उनके कान में बोला और वो होश में आ गए। और जितने भी उस वक्त उनके शिष्य थे, बोधिष्ठ जो शिष्य थे, वो सब के सब महाप्रभु के भक्त बन गए। तो इस तरह जो है हमें इस हरि नाम को जो ना कि सुनाना चाहिए और ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। उम्र जो है वो बहुत ही कम है, यूं ही सोचते सोचते जो ना कि निकल जाती है। जैसे एक फिल्म का गाना है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, यही खिस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो ये सब जो ना कि इसलिए जो ना कि इसको गंभीरता से लें। और अब हम ये सोचते हैं जो देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो हैं, प्रहलाद महाराज ने की जब उम्र थी, छोटे से थे, गुरुकुल में थे, तो उनके साथी बोल रहे थे कि प्रहलाद चलो जो ना कि खेलते हैं। प्रहलाद ने कहा कि नहीं, ये खेलने की उम्र नहीं है, ये भक्ति करने की उम्र है। उसके शिष्य उसके जो साथी बोले कि नहीं, ये तो उम्र खेलने की है। बोले नहीं। तो जब उन्होंने बताया कि बचपन तो जो ना हम ऐसे ही बिता देंगे खेल में, और जवानी भर जो ना कि लोग कमाते हैं या सोते हैं, और बुढ़ापे में जो ना कि भक्ति हो नहीं सकती, तो इसलिए जो है भक्ति की उम्र कोई नहीं है, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। और जैसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति की, ध्रुव महाराज ने भक्ति की, इसी तरह हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और हमें भक्ति करनी चाहिए। और हम सचिपति प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि जो आज हमें जो ना कि ये इसमें लगा रखा है हमें, और हमें जो ना कि डांटते रहें फटकते रहें। मैं प्रभु जी से ये प्रार्थना करूँगा कि ताकि जो हम अच्छे से हरि नाम ले सकें और अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु जी ने बोला था गुरु पर विश्वास जिसको नहीं है उसको ये कंठी माला उतार के नाली में फेंक देनी चाहिए, तो सच्चाई है। अब अगर हम देखें तो जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी गए अपने गुरु के विश्वास पर गए कि भई ये उनके गुरु ने आदेश दिया कि ये जो हरि नाम है पूरे विश्व में फैलाओ, तो प्रभुपाद जी को अपने गुरु पर विश्वास था। इसी तरह हमें भी अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए ताकि हम भी इस भव पार जो है उतर सकें। हरे कृष्ण।